चलिए तब तक बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन कैन बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली पॉइंट ऑब्जेक्ट, बताइए। रेलवे कैरेज मूव बिटवीन टू स्टेशन, और मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ मैन साइकिल स्मूथली ऑन सर्कुलर ट्रैक, ए एंड बी। स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स स्वैपली ऑन हिटिंग ग्राउंड, टम्बलिंग बीकर दैट इज सिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल, कौन कौन सा? ए एंड बी। रुकिए, सॉल्यूशन भी खोल लेने दीजिए, क्रॉस चेक होता रहेगा ना, हैं ग्रुप पे पड़े हुए सॉल्यूशन। कनेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है भव्या? नहीं सर, सर बस 2 मिनट। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइजेस, ठीक है, ए और बी, ठीक हो गया। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पे। 3.1 का क्लियर है सबको, क्योंकि बाकी दो में जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है, वो स्पिनिंग में तो डिस्टेंस कवर होगा नहीं, और स्लिपिंग ऑफ द एज ऑफ द टेबल पे भी बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहां भी आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3.2, अ पोजीशन एक्स थीटा ऑफ टू ग्राफ्स ऑफ टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन इन द फिगर, चूज द करेक्ट एंट्रीज। चलिए ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। पहला पार्ट है, कौन सा बच्चा स्कूल के ज्यादा नजदीक रहता है? कैसे कैसे कहा आपने ये? ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि आप ये कह रहे हो, बताओ, एक्सप्लेन इट। पोजीशन ग्राफ में सो पोजीशन टाइम ग्राफ में सो पोजीशन उसकी पहले आती है सो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। यस सर, अगर हम यहां से देखें तो ए का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, वो इतना हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। और बी की अगर डिस्प्लेसमेंट हम देखें तो बी का नेट डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो रहा है, बोले सही है? तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसने किया है? ए ने किया, बी ने, तो इसका मतलब बी का डिस्टेंस ज्यादा हुआ स्कूल से। दूसरा, स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन, बताइए। तो एक मिनट, पहले वाले का आंसर टिक कर लेने दीजिए। क्लोजर कौन रहता है? ए क्लोजर रहता है कंपेयर टू बी। कौन स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, पहले कौन चला? ए पहले चला, इक्वल टू जीरो पे चला है, और बी देखिए लेट चला है ना, कुछ समय बीतने के बाद चला है, ठीक है। ए टी इक्वल टू जीरो पे, सो हु स्टार्टेड अर्लियर? देन बी। ए बी वॉक्स फास्टर देन बी, कौन तेज चल रहा है? क्यों? वाई 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 बट उसका टाइम भी कम लग रहा है। हाँ, तो स्लोप देखिए है ना, स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज मोर फॉर बी, आया ना? देयर फोर हिज वेलोसिटी इज हायर, करेक्ट? टिक करते हैं, बी वॉक्स फास्टर देन ए, ठीक। ए एंड बी रीच होम एट द सेम डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम, सही बात है। अगर टाइम को प्रोजेक्शन लें तो इसका प्रोजेक्शन यहां आ रहा है और इसका प्रोजेक्शन यहां आ रहा है, पहले कौन पहुंचा है? बी पहुंचा है, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट टाइम होगा। ए बी ओवरटेक्स बी ए ऑन द रोड वंस ट्वाइस, बताइए किसने किसको ओवरटेक, उसकी स्पीड ज्यादा है ना, तो वो एक बार ओवरटेक कर रहा है और एक ही बार कर रहा है ना, तो देर से चलने के बाद भी वो पहले पहुंचता है, ठीक है।
और कोई पॉइंट रह गया इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। सर एक चीज पूछिए, सर इसमें अगर ट्वाइस का भी ऑप्शन दिया है, ट्वाइस का भी मतलब किसी पॉइंट पे तो किसी, कैसे होगा? एक बार आप क्रॉस कर गए, मिसे मान मान लीजिए आप चल रहे हैं, आप पहले घर से निकले, ठीक, आप पैदल जा रहे हैं ट्यूशन की तरफ आ रहे हैं, फिर आपका आपके पिताजी जो है वो भी निकले घर से आपके बाद निकले, और वो स्कूटर पे आ रहे हैं और वो भी ट्यूशन सेंटर आ रहे हैं मेरे से मिलने के लिए, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि आप तो पैदल आ रहे हैं, लेकिन वो तो पहुंच गए ना पहले, फिर तो दोबारा क्रॉसिंग का तो होगा ही नहीं ना। उसके बाद अगर आप कोई गाड़ी पकड़ लेते जो कि उनसे फास्ट चलती तो आप एक्सेलरेट करते, हो सकता है क्रॉस कर जाते। आ रहा समझ में? तीसरा क्वेश्चन देखिए, अ वीमेन ऑन रोड, अ वीमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM एंड वॉक्स विद अ स्पीड ऑफ 5 km/h ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 km अवे, स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM and then returns home with a speed of 25 km/h, choose the suitable scale and plot xt graph of motion, ठीक है? तो बताइए उसका xt graph हमें बनाना है ना? चलिए थोड़ा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि यहां बन जाए। तो xt graph का मतलब आपको y axis पे x को लेना है, और x एक्सिस पे आपको t को लेना है, सही है? अब वो चली है कितने बजे? 9 बजे सुबह में, ठीक। तो टाइम एक्सिस पे जो इनिशियल पॉइंट होता है उसको हम 9 AM लिखते हैं यहाँ पे, चलेगा? और उसकी स्पीड 5 km/h है, एक नॉमिनल स्पीड है जिससे वो आ रही है। तो पहला ग्राफ का थोड़ा स्लोप कम रखते हैं, स्पीड कॉन्स्टेंट है तो स्लोप कॉन्स्टेंट ही होगा। अब कितने टाइम बाद वो पहुंचेंगे ऑफिस बताइए? अगर 2.5 किलोमीटर/h की 5 किलोमीटर/h की स्पीड से 2.5 किलोमीटर अगर वो चल रही है हाफ एन आवर में, yes, sir. तो यहाँ जो वो पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे बताइए? ये पहुंचेंगे 9:30 पे, yes, सही है ना? yes, sir. तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 9:30, चलेगा? yes, sir. उसके बाद वो काफी देर तक ऑफिस में रहती है, 5 PM तक ऑफिस में रहती है, तो उसमें उसका मोशन तो होगा नहीं, तो कैसा बनेगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगा, ठीक है? स्केल्स को नेगलेक्ट कीजिएगा, मैं परफेक्ट स्केल पे तो नहीं बना रहा हूँ, बट फीलिंग ऑफ ग्राफ लगभग उतना ही रहेगा। चलिए अब ये कब तक रुकी है ऑफिस में? 5 बजे तक रुकी है, सही है ना? और उसके बाद बड़ी तेजी से आई है 25 किलोमीटर/h से ऑटो पकड़ के आई है, ठीक है? तो स्पीड फास्ट है अब, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो स्लोप नेगेटिव होगा, है ना? तो ये कुछ ऐसे पहुंचेंगी यहाँ पे, कितने बजे पहुंच जाएंगी? एक कहता है 9 मिनट, एक कहता है 30 मिनट, बताइए भैया किसकी बात माने? बिल्कुल बड़ी है, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो आने का जो टाइम होगा वो कितना होगा, निकालिए। आपका डिस्टेंस कितना है पहले? 2.5 किलोमीटर है, सो इट्स 5/2 किलोमीटर, अरे कहिए भाई। और आपकी स्पीड है 25, नहीं? यस सर। तो 5 से 25 कट गया तो 1/10 ऑफ आ रहा ना? यस सर। तो मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स मिनट्स आएगा। तो जो पहुंचेंगे उस समय समय कितना हो रहा होगा? 5:06, सही है? तो ये टाइम होगा 5:06, सही है? PM। आई होप ग्राफ दिख रहा होगा सबको। यस सर। नीचे टाइम के कोऑर्डिनेट थोड़े छुप गए हैं, लेकिन अब दोबारा बना नहीं सकते हैं, बहुत मेहनत पड़ेगा दोबारा, ठीक है? बोले समझ में आ गया? अब पहले का टाइम था 30 मिनट, ये जो टाइम है ये 30 मिनट है, और ये जो है ये T2 जो टाइम है ये तो 9:30 से 5 बजे तक का, तो 2.5 घंटे इधर 5 घंटे उधर, यानी 7.5 आवर्स के आसपास, नहीं? और T3 टाइम अपन यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, सही है? Yes, समझ में आ गया? Yes, और कुछ निकालने भी कह रहा है इसमें? नहीं, खाली एक्सटी ग्राफ बनाना है। चलिए अब आते हैं 3.4 पे, पढ़िए दोनों क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड एंड सो ऑन, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड, ठीक है? प्लॉट एक्सटी ग्राफ ऑफ द मोशन, डिटरमाइन द ग्राफिकली and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start, theek hai? yes sir।
तो एक स्टेप एक मीटर का होता है और एक सेकंड लगता है उसमें, और पांच मीटर स्टेप्स फॉरवर्ड चलते हैं और फिर तीन स्टेप जो है बैकवर्ड चलते हैं, सही है? तो इनका क्या बनाना है हमें? पक्का? यस सर। एक ब्लैंक पेज खोल लेते हैं भव्या, सब कुछ वहां बनाने में बहुत अड़चन है, छोटा छोटा स्पेस मिलता है, तो ब्लैंक पेज खोल लेते हैं। ट्रांसमिशन परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 3.4। आइए देखिए, इधर हम एक्स प्लॉट करेंगे और इधर हम टाइम प्लॉट करेंगे, ठीक है? आप लोगों ने कर रखा है क्या एक्सरसाइज पूरा? अच्छा चलिए, पहले 5 मीटर मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से ही चले, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनाते हैं अपन, है कि नहीं? और इसका टाइम एक्सट्रापोलेशन जो होगा वो 5 सेकंड का होगा, और इसकी एक्स की एक्सट्रापोलेशन जो होगी वो होगी कितने? 5 मीटर की। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फिर ये रिटर्न आएंगे तो इनकी वेलोसिटी उतनी ही नेगेटिव हो जाएगी, तो तीन रिटर्न आएंगे, तो यहाँ रुकते हैं इनको, आया ना? अब इसका टाइम एक्सट्रापोलेशन अगर करें तो 8 सेकंड हो जाएगा। क्या भैया भव्या समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। और 3 मीटर वापस आए तो अब ये 2 मीटर पे होंगे, बोलिए हाँ या ना? यस सर। उसके बाद फिर इसका हम लोग फिर 5 मीटर बनाते हैं। यस सर। बल्कि लेट्स कॉपी दिस, एग्जैक्टली बराबर बनेगा, ये लीजिए, सही है? अब बताइए, 2 मीटर से 5 मीटर और चले आप, तो आप 7 मीटर पे आ गए, और 5 सेकंड आपने और लिए तो आप 13 सेकंड पे आ गए, सही है? यस सर। टोटल 7 मीटर ही आए अभी आप, सही है? उसके बाद फिर वापस आएंगे, ये देखिए वापस आ गए। अब बताइए सर, 4 मीटर एंड 16 सेकंड्स। 16 सेकंड कैसे हुआ? सॉरी सर, 7 में 3 वापस आए तो आप आएंगे 4 मीटर पे, नहीं 16, 18 सेकंड्स, सही है? आप 4 मीटर पे हैं। ऐसे ही करते करते आगे बनाएंगे ग्राफ, ठीक है? ग्राफ तो समझ में आ रहा है। अब ये बताइए कि आप 1 मीटर कितना है? 5 मीटर का है ना एक, ठीक है? अच्छा वापस 16 आएगा, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब बताइए, अब आगे आप 4 मीटर पे, फिर आप चलेंगे 5 मीटर, तो 9 पे जाएंगे, फिर 3 भी वापस आएंगे, तो 6 पे आएंगे, सही है? तो 2 मीटर का जो कंप्लीट साइकिल आप कर रहे हैं, इस कंप्लीट साइकिल में आपको कितना टाइम लग रहा है टोटल? 5 और 3 8 सेकंड लग रहा है ना? 8 सेकंड के एक साइकिल के बाद आप 2 मीटर आगे बढ़ रहे हैं, 8 सेकंड के एक साइकिल के बाद आप नेट नेट कितना आगे बढ़ रहे हैं? 2 मीटर। तो ये बताइए कि 8 मीटर तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लग जाएगा? 8 मीटर नेट डिस्प्लेसमेंट is done in how many second? 2 सेकंड का एक साइकिल, 2 मीटर का एक साइकिल है जिसमें आपको 8 सेकंड लग रहा है, तो 4 सेकंड से ही आपको, बिल्कुल सही बात है, तो 32 सेकंड लगेगा, बोली सही है? Yes sir. 32 सेकंड में आप 8 मीटर पे खड़े होंगे, और इस बार जहां आपने एक 5 मीटर का साइकिल लिया तो आप गड्ढे में गिर गए, आपका 13 तो यही आ जाएगा ना, तो 13 मीटर आपको नेट नेट गड्ढे में गिरने में आपको कितना लग रहा है बताइए? टाइम प्लस 5 सेकंड और जोड़ दो यहाँ पे, बोलो समझ में आ रहा है? Yes sir. अब पूरा ग्राफ आप लोग करते रहिएगा, 37 सेकंड आंसर होना चाहिए जब गड्ढे में गिरे, बोले समझ में आ रहा है? यही ग्राफ बना हुआ सबका? चलिए ठीक है, समझ में आ गया भैया? Yes sir, समझ में आ गया। तो मैंने पूरा ग्राफ नहीं बनाया, ठीक है? ठीक है सर, बाकी सेक्शन ऑफ ग्राफ आप लोग बनाइएगा और करते रहिएगा उसको। तो ये 3.4 हो गया हमारा, आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये किसने कर रखा है? तो मुझे 3.5 में डाउट था, डाउट था, कोई नहीं, आई विल हेल्प यू। तो सबसे पहले देखिए, जेट एयरप्लेन ट्रेवल कर रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक? वेलोसिटी ऑफ प्लेन हो गया हमारा 500, और आपका जो कंबशन का गैस है उसका रिलेटिव टू जेट प्लेन दिया हुआ है। रिलेटिव टू जेट प्लेन का मतलब ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, कह सकते हैं आप? यस सर। और ये किधर की तरफ होता है भाई?
अपोजिट होता है, बिल्कुल सही बात, पीछे की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, पहले वाला जो स्पीड अपनाया है प्लेन जिधर जा रहा है उसको पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक भव्या? यस सर। और उसका जो गैस का वेलोसिटी उसको फिर हम नेगेटिव में लिखेंगे, यस सर। क्यों नेगेटिव में लिखेंगे, क्योंकि वो तो पीछे की तरफ होगा ना, यस सर। अब बोलिए डेटा समझ में आ रहा है, तो आपको गैस का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो पहले जिस रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा क्वेश्चन में हो वीजीपी है, और उसको हम वीजी माइनस वीपी लिख सकते हैं, बोलिए सही है, वीजीपी का वैल्यू दे रहा है -1500 किलोमीटर पर आवर, बोलिए सही है, जिसमें वीजी की वैल्यू हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए और वेलोसिटी ऑफ प्लेन की वैल्यू दे रही है 500 पॉजिटिव में, सही है, अरे बोलो, यस सर। तो बताओ वीजी कितना आ गया हमारा, -1000 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया, यही दे रहा होगा आंसर, समझ में आ गया सबको, यस सर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे अभी। A car moving along a straight highway with a speed of 127 km per hour brought to rest when a speed of distance 1200 meters. What is the retardation of the car? तो आसान question है। Yes sir. Question के अंदर initial velocity दिया हुआ आपका। कितना दिया हुआ initial velocity? 126 kph. Yes sir. इसको meter per second में convert कीजिए। कैसे convert करेंगे बताइए meter per second में? 5/18 से multiply करें। Yes sir. 18 से कटेगा ये? देखिए। कितना आएगा बताइए, 7 से आना चाहिए, 35 आ गया, 35 मीटर पर सेकंड आ गया ना, और इसको रेस्ट में ला रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई, और बताएं रिटार्डेशन कार को कितना लगा, डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस, नहीं अब ये बताइए VUS दिया हुआ है और आपको रिटार्डेशन यानी A निकालने कह रहा है, आया ना, कौन सा इक्वेशन आएगा, मतलब यूज होगा, बिल्कुल v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s यूज होगा, बोलिए समझ में आ रहा है, यस सर। जीरो इनिशियल 35 का स्क्वायर यस सर 2 इनटू a इनटू 200 मीटर करेक्ट, बताइए 35 का स्क्वायर कितना होगा सर, करिए बताइए 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400 आपका आंसर है, चलिए कैलकुलेट करके बताइए फटाफट, 1225 उसको 400 से डिवाइड करें, ओ कैलकुलेटर खोल कर रखिए बीच में भाई, आंसर मैच कीजिए, आंसर चेक कीजिए, नहीं आंसर एनसीईआरटी में चेक कीजिए, ये कह रहा हूँ, हाँ भाई आंसर बताओ ना, एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है वैसे आंसर बताओ, सिंपल सही है, कितना है 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3.06 आ रहा है सबका इतना, यस सर, एंड माइंड इट आंसर नेगेटिव आएगा बिकॉज़ इट इज रिटार्डेशन, क्लियर, यस क्लियर एवरीबॉडी, यस सर, जो भी गिवन हो और जो निकालना हो ठीक है उसको एक साथ जब आप लिखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इक्वेशन लगाएं, मेरी बात समझ में आ रही है सबको, यस सर। देखिए ये तीन चीजें गिवन थी और ये चौथी चीज आपको निकालनी थी, कौन सी चीज निकालनी थी आपको, ठीक आगे बढ़ जाएं, यस सर। उस क्लास में थे आप लोग, रिलेटिव के जब ये क्वेश्चन कराए गए थे मुश्किल मुश्किल वाले जो थे आप लोग डिस्कशन में, यस सर। पक्का ये पता है सबको, यस सर। 3.7 3.8 3.9 करा था हम लोगों ने, यस सर। ये उन लोगों ने डाउट पूछे थे, पक्का, यस सर। भव्या यस सर, था मैं भी उस टाइम पे था, किया हुआ है कि नहीं, था और बात है, सर किया हुआ है, किया हुआ है, किया हुआ है, आंसर पता है, यस सर। पक्का डिस्कस तो नहीं करना इसको, नहीं सर। आपको श्योर आएगा तो कर लेंगे सर, 3.9 क्यों नहीं कर पाएंगे जब डिस्कशन हुआ है, पता है तो आपको, सर आपने कहा पहले करवाया था सर, अरे तुम मुझे बताओ ना, अगर क्वेश्चन आएगा तो छोड़ दोगे इसको,
तो क्या आंसर दोबारा बताना है? एक बार बताना है तो बोलो फिर खुल के कि बताना है किसका किसका बताना है। बस पक्का? चलो ये 3.9 एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए सब लोग पहले। अभी बताइए ए और बी दोनों बस सर्विस से जुड़े हुए ठीक और दोनों स्टेशन से बस चल रही है एक दूसरे की तरफ आई मीन अपोजिट डायरेक्शन में और हर 3 मिनट पे एक बस खुल जाती है। अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों तरफ से एक बस खुली है साथ में और एक आदमी ए से बी तक जा रहा है साइकिलिस्ट है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ना। अब जो बस उसके बाद खुलेगी साइकिलिस्ट के बाद है तो उससे ज्यादा तेज बस तो बस उसको ओवरटेक कर रही है। तो पहले तो मुझे बताइए कि जो बस ए से खुल रही है उसका साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में क्या स्पीड होगा अगर सेम डायरेक्शन है दोनों की। बस की स्पीड को आप वी मान लीजिए क्योंकि दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर बस की स्पीड को मैं वी मान लूं साइकिलिस्ट की 20 है दोनों ए से खुले हैं तो उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई? वी माइनस वी बस का है और साइकिलिस्ट का 20 है तो बस का साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड हुआ रिलेटिव में? V और V भी क्या है? V मतलब बस का वेलोसिटी। हाँ V माइनस 20 हो गया सही है। अरे सही है। और ये बस ओवरटेक कर रही है उसको एक के बाद एक कितने मिनट में ओवरटेक करी? 18 मिनट। अब साइकिलिस्ट को रोक दीजिए उसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं ना आप तो जिसके रेस्पेक्ट में तो उसको रोक देते हैं। अब एक बस निकली और फिर दूसरी बस निकली ठीक तो इस बीच में जो दूसरी बस क्रॉस करके आई उसने कितना डिस्टेंस मूव किया? उतना ही किया ना जितना बस के बीच में गैप है। तो दो बसों के बीच में डिस्टेंस कितना गैप बन रहा है वो निकालेंगे ठीक। एक सेकंड भाई कोई है दरवाजे पे साहब होंगे कैसे बोल रहे हो क्या साहब को साहब बोल रहे हो और क्या अरे कहाँ दे दिया पेपर है कहाँ गैप बिटवीन टू बसेस so buses are leaving the station yes, sir. right yes sir after time interval of t each yes, sir. t minutes I mean yani r wise ho gaya t by 60 yes, aur ek bus ki speed kitni hai v yes, so do buses ke beech mein kitna gap hua bataiye jab ek bus khulegi usse pehle ek bus kitna chal chuka hai already bataiye nahi to t minutes matlab t by 60 r chala hai distance kitna cover kara hai usne gap kitna banaya vt by 60 are vt by 60 hua na yes sir इतना ही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पीछे से जो बस खुलेगा उसको साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में कवर करना है। अगर साइकिलिस्ट को अभी एक बस क्रॉस कर रही है आप साइकिलिस्ट आपको एक बस क्रॉस की तो पीछे वाला बस कितने गैप पे है वीटी बाई 60 गैप पे तो वीटी बाई 60 डिस्टेंस कवर करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा तब साइकिलिस्ट को क्रॉस करेगा और किस रिलेटिव वेलोसिटी से कवर करेगा v माइनस 20 से। अरे s रिलेटिव vt बाई 60 कवर करेगा और कितने रिलेटिव वेलोसिटी से कवर करेगा v माइनस 20 से। अरे बोलिए ना तो उसको टाइम कितना लगेगा 18 मिनट ये दिया हुआ क्वेश्चन में दिया 18 मिनट के गैप पे क्रॉस कर रहा है राइट right? तो इन तीनों का रिलेशन क्या बनेगा? व्हाट इज द रिलेशन? एस रिलेटिव इक्वल टू वी रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय टी से यस एस इक्वल टू वीटी होगा ना जी yes, बिना एक्सेलरेटेड मोशन के yes,
अरे जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता उसमें s इक्वल टू vt होता है ना। अब s के जगह डाल दिया मैंने vt by 60, सही है। v के जगह v minus 20 डाल दिया, v relative के जगह, और time के जगह 18 by 60 डाल दिया। इससे मेरा एक equation आ गया, देखिए equation काट पीट के हम लोग ले आए, और equation हमारा कितना आ गया बताइए। ये equation आ रहा है फर्स्ट वाला हमारा, कितना आ रहा है? नहीं 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 वेट करिए, ये इक्वेशन है फर्स्ट वाला, ये वाला दिख रहा है सबको स्क्रीन पे। अब आइए ऑपोजिट डायरेक्शन से जो बसें जा रही उनके बारे में बात करते हैं, क्या उनके बीच में भी गैप सेम होगा? अरे दो सक्सेसिव बसेस के बीच में गैप तो सेम ही होगा ना भाई, उधर से जो बस खुल रही है उनकी वेलोसिटी सेम है, उनका भी टाइम इंटरवल सेम है, क्या गैप सेम होगा? यस सर गैप सेम होगा। ये कह रहा है नो सर, अरे जैसे बस ए स्टेशन से खुल रही है वैसे ही बस बी स्टेशन से भी खुल रही है, जितने टाइम गैप पे बस ए स्टेशन से खुल रही है उतना ही टाइम गैप पे बी स्टेशन से बस खुल रही है, तो दो बसेस के बीच में जो डिस्टेंस का गैप बन रहा है वो सेम ही बनेगा ना। yes, sir. अब आप साइकिलिस्ट हैं, बी स्टेशन वाली यानी ऑपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करने वाली एक बस ने आपको क्रॉस किया, अभी कर रहा है क्रॉस आपके सामने बिल्कुल, सही है। तो जो अगला आपको क्रॉस करेगा उसमें कितना गैप है? VT by 60 gap ही है ना? Yes, अरे सेम गैप है ना? Yes, अरे है कि नहीं है? Yes, sir. लेकिन इस बार रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी उस बस की जो सामने से आ रही है आपके रिस्पेक्ट में? सामने से जो आ रही है उसकी स्पीड v है। yes, sir. आपने मान लिया है और आप जा रहे हैं 20 से उसकी तरफ। yes, sir. दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड है। yes, sir. उसकी रिलेटिव वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में कितनी हो गई फिर? वी प्लस 20 हो गई। वी प्लस 20 हो गई तो इस बार के लिए वी रिलेटिव आपका कितना बताइए? वी प्लस 20। और कितने समय के बाद वो आपको आके क्रॉस कर? 6 मिनट। तो समझ रहे हैं बात को? जो सेकंड केस है उस केस के लिए आपका जो एस रिलेटिव होता है वो सेम टू सेम रहता है वीटी बाई 60। बोलो हाँ या ना? यस सर। लेकिन वी रिलेटिव चेंज हो गई भाई मेरे, और वो कितनी हो गई बताओ? वी प्लस 20 हो गई। और टाइम भी चेंज हो गया इस बार। टाइम कितने है? कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है? 6/60 आवर्स पे क्रॉस कर रहा है, हाँ या ना? तो इन सबको अप्लाई करेंगे तो हमारा सेकंड इक्वेशन चेंज होगा, फिर से वही लिखेंगे एस रिलेटिव इक्वल टू वी रिलेटिव इनटू टी। बताइए सेकंड इक्वेशन अब सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। अब इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू में दो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन? वी एंड टी। एक को हटाना पड़ेगा पहले, तो डिवाइड कर दीजिए, समझ गए? या तो डिवाइड कर दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों में LHS VT by 60 है, हाँ है ना? तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट किया गया इस स्टेप में, देखिए यहाँ देख रहे हैं। yes, sir. और इससे फिर सॉल्व करके वी निकाला, वी की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवेगी, अगर वो आ गई तो VT by 60 में इसको डाल दीजिए, ठीक है? किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। अब बोलिए समझ में आ गया? यस सर। तो वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जो अभी लिखे हुए हैं यहां पे। 3.10 पे आते हैं, बताइए 3.10 क्या है? बताइए, पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन, पढ़िए मन में पढ़ना है भाई, सब लोग क्वेश्चन बोलने लगेंगे तो चोर बहुत होगा ना। दो भैया कोई सोने भी लगा इसी में, हाँ कर दूंगा, रखो टेस्ट कॉपी। टेस्ट कॉपी ना लिया सबने, वही किया बेटा, यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन ऑन अर्थ हु हैज डन सो। कल जासूस करमचंद को काम पे लगाने के बाद हमने केस सॉल्व कर दिया कि लाल पेन कहाँ था। अभी ऑनलाइन है तो प्रैक्टिस सेशन के लिए उतने दूर से बुलाना ठीक नहीं है, कुछ कुछ तो हाइब्रिड करना पड़ेगा ना, तभी तो टाइम बचेगा सबका, सबका साथ सबका विश्वास और विकास भी। अरे भैया क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक, अब पहला पार्ट पढ़िए, बताइए क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, कौन कौन बताएगा? इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है सर। कितनी दी हुई है भव्या बता दो? 29.4 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड। अपवर्ड 29.4। यस सर। अच्छा, अपवर्ड डायरेक्शन में, सही है। और क्या क्या दिया हुआ है? बस 9.8 तो पता होना चाहिए नीचे। यस सर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा नीचे की तरफ, सही है। yes, sir. अब पढ़िए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड? तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या बदल जाएगा जब बॉल ऊपर जाएगा और जब बॉल नीचे आएगा तो सेम रहेगा? सेम ही रहेगा। गुरुत्वाकर्षण थोड़ी बदल जाएगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल? तो बताइए डाउनवर्ड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख रहा हूं मैं, एक सेकंड थोड़ा समय दें। डाउनवर्ड, बोलिए हाँ या ना? यस सर। डाउनवर्ड्स हो गया। What are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion? बताइए highest point पे velocity कितनी होगी? Zero. ये मैंने आपको बताया था कि highest point पे आपका जो x होता है, यानी displacement जो होता है, वो maximum होता है। और अगर displacement maximum होगा, ठीक है, आप उसको s से दिखलाइए या y से दिखलाइए, आपकी मर्जी।
अगर वर्टिकल डायरेक्शन बात कर रहे हैं, वाई से दिखना चाहते हैं, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। अरे उसको निकालो, मेरे से बोलना चाहिए चार्जर, 40 वाट का चार्जर है, फोन खा जाएगा 45 वाट का। क्या कर रहे हो भाई? अरे 45 वाट का चार्जर है भाई, वो फास्ट चार्जर उतना मोटा चार्जर सपोर्ट नहीं करता, फास्ट चार्जिंग का एक लिमिट होता है। ये 20 वाट से ज्यादा नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ला रहा हूं चार्जर भाई, बैटरी खा जाएगा पूरा। बैटरी है भाई वो बोलो चार्ज हो रहा कि नहीं हो रहा है? अरे उसको कुछ नहीं करना है, वायर नया है, बिल्कुल रेड लाइट है, आ जाएगा थोड़ी देर में, मरा हुआ है तो थोड़ी देर बाद जाएगा, अभी तो जाएगा। चार्जर बिठा दिया ना, ठीक है, मतलब मेन काम जो है ना वो चार्जिंग वाला ही होता है, बाकी बीच बीच में पढ़ाई भी हो जाती है कभी कभी। नहीं चलाओ एसी, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ वाई मैक्स हो जाता है, तो वाई मैक्स हो जाएगा तो डी वाई बाई डी टी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं? और डी वाई बाई डी टी का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो इसीलिए हमने वेलोसिटी जीरो लिया हाईएस्ट पॉइंट। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, क्या गुरुत्वाकर्षण लगना बंद हो जाएगा? सेम रहेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बेसिक पकड़ के चलिए तो सब क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे यही दो चीजें पूछ रही थी, बता दिया हमने। अब कहता है x इक्वल टू जीरो मीटर एंड t इक्वल टू जीरो लोकेशन द टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव ले लीजिए एंड गिव द साइन ऑफ पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। आइए पहले समझते हैं क्वेश्चन, ये कहता है कि आप ओरिजिन लीजिए कहां पे, बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे, कहां पे ओरिजिन लीजिए? हाईएस्ट पॉइंट पे आप ओरिजिन ले लीजिए, तो ये आपका ओ हो गया, सही है। फिर क्वेश्चन कहता है कि भैया आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, ठीक। और उसके बाद आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड जो दोनों जर्नी के दौरान आपको सबका साइन बताना है, समझ रहे हैं? आइए पहले अपवर्ड जर्नी की बात करते हैं, अपवर्ड जर्नी के दौरान बात करते हैं। चलिए बताइए अपवर्ड जर्नी की अगर आप बात कर रहे हैं तो याद रखिए डाउनवर्ड पॉजिटिव है, ठीक है, उसको भी देखने देना। हाँ बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करिए काम तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया डाउनवर्ड, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी अपवर्ड जर्नी में? एक्सेलरेशन पॉजिटिव अपवर्ड हो, डाउनवर्ड? अरे डाउनवर्ड हमने पॉजिटिव माना है ना, तो इसलिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसलिए पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये मैं एसेंट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सही है। अब बताइए यू के बारे में क्या विचार है, जब फेंका था तो ऊपर ही जा रहा था ना, तो ये अपवर्ड है तो इसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है। चलिए और किसका साइन बोल रहा है, साइन ऑफ पोजीशन, ऊपर जाते समय हर समय इसका पोजीशन क्या है बताइए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, आपने इसको माना है, एक सेकंड, इसको ओरिजिन माना है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपने क्या माना है? पॉजिटिव माना है, सारा पॉजिटिव होगा, सारा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि सब इसके नीचे ही है ना, तो सारे के सारे पोजिशन क्या होंगे बताइए? पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात, याद रखिए यही आपका पॉजिटिव एक्सिस है, अगर आपने ओरिजिन वहां माना है, डाउनवर्ड पॉजिटिव माना, तो यही वाला आपका पॉजिटिव एक्सिस है। लेट मी क्लेरिफाई इट मोर इन द डायग्राम, यही आपका पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस, नहीं समझे? ठीक है, अब आइए हम बात कर रहे हैं डिसेंट की। यहां लिखता हूं मैं, क्या लिखूं, यहां नहीं लिखता हूं, यहां लिख देता हूं। चलिए आइए डिसेंडिंग मोशन की बात करते हैं। डिसेंडिंग मोशन में आप नीचे आ रहे होंगे, तो किसी भी समय आपकी वेलोसिटी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। अब बताइए एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव था, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा, हाँ या ना? और पोजीशन का साइन भी क्या होगा बताइए? पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट आपका नेगेटिव पोजीशन का ही होगा ही नहीं भाई, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर आप गए ही नहीं। बोलिए समझ में आ गया? यस सर। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड हाउ लॉन्ग द बॉल रिटर्न्स टू द प्लेयर्स हैंड, कितने देर के बाद आदमी के हाथ में आया। अब ये प्योर न्यूमेरिकल है, तो हाउ हाई द बॉल विल राइज, तो इसके लिए हमें, चलिए एक सेकंड इधर आइए, सब लोग इधर आइए, देखिए असेंट को पहले एनालाइज करना है, है ना? बताइए क्या क्या पता है आपको असेंट में?
आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, यस सर, ठीक। अब साइन कन्वेंशन बाद की बात है, आपको पता है एक्सेलरेशन, ठीक। चलिए बताइए इनिशियल वेलोसिटी का साइन क्या देंगे आप इसमें? नेगेटिव देंगे। क्यों नेगेटिव दे रहे हैं? क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन बोला नीचे लेने के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका नेगेटिव हो गया। अब उसी पर कर रहे ना, पांच बार लेंगे कन्वेंशन तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए कर रहे हैं। नहीं तो हमारा कन्वेंशन सीधा सीधा क्या होता था बताइए, कि इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, हम असेंट डिसेंट तोड़ के बना देते। लेकिन चूंकि उन्होंने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी अलॉट करवा दिया है तो हम माइनस ले रहे हैं। भव्या साइन कन्वेंशन समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। अब बताओ एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा? वो तो सदा पॉजिटिव है क्योंकि हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे और क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता है बताइए? वेलोसिटी जीरो है, बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने अगला जो क्वांटिटी हमें बताया है, जो हमें पता होना चाहिए, वो ये है कि हमारी वेलोसिटी जीरो। अब हमें निकालना क्या बताइए? H और T, नहीं पहले एक बताओ, दो एक साथ मत चलो, एक बताओ पहले, एस निकालना। तो बताइए ये जो चारों हैं, जो गिवन है और जो अननोन है, वो क्या चिल्ला रहे हैं, कौन सा इक्वेशन लगाओ? ऐसे सोचिएगा तो कभी भी इक्वेशन गलत इस्तेमाल नहीं होगा, समझ रहे हैं बात? अब बताइए v की वैल्यू कितनी डालेंगे? u की वैल्यू हो गई 9.8 का स्क्वायर, सॉरी ये तो g की वैल्यू डाल दी मैंने, -29.4 का होल स्क्वायर, नहीं जी, और एक्सेलरेशन की जगह 9.8 डाल दिया। अब फिलहाल प्रैक्टिस सेशन में है तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। चलिए बताइए इस कितना हुआ, 29.4 का स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस में आएगा, और डिवाइड करेंगे 2 × 9.8 से, जो कि 19.6 होता है, हालांकि जरूरत नहीं करने की। आपको मैं बता दूं, अगर मोशन का ग्रेविटी अच्छे से करना है जल्दी सॉल्व, तो 9.8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, मतलब टेबल, 9.8 वन जा 9.8, 9.2 19.6, 9.8 थ्री जा 29.4, समझ गए? तो बेसिकली ऊपर वाला जो है वो है 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 3, बोलो हाँ, yes, sir. और इसमें नीचे में है 9.8 into 2, बताइए कट पिट के क्या आंसर है? बहुत हिंट दे दिया मैंने, बोलिए। नौ नीचे में 2 और 9.8 सर्वाइव करेगा 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा, जल्दी करिए, लगभग लगभग 50 मीटर के आसपास आएगा ये। बताइए इस कितना आया हमारा? 49.2 49.6, ए भगवान उठा लो मुझे, ये हालत है कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने वालों की, उठा लो भगवान, भगवान उठा ले। 98.9 डिवाइडेड बाई 2, 44.1 मीटर, -44.1 मीटर। आंसर पे नजर रखेंगे, मिलेगा कि नहीं बताएंगे। नेगेटिव आंसर क्यों आया भाई बताओ तुम? सर नेगेटिव आया क्योंकि सर हमारा इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव थी। ठीक से बताइए, हाँ बताइए, हाँ तो बताओ ना, साइन कन्वेंशन समझाओ मेरे को, कैसे नेगेटिव आया? आपने किधर पॉजिटिव माना है साइन कन्वेंशन में? और आपका डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो किधर ऊपर है? आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है ना जी? यस सर। अरे भैया आपने नीचे से ऊपर का भी एनालिसिस किया है ना? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और आपने पॉजिटिव किधर माना है? डाउनवर्ड माना है, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा ही आएगा ना। अब आइए बोलता है कि प्लेयर के हाथ में कब आया बॉल, ये पूछ रहा है ना? v = u + at, तो इसको हां v = कैसे बोल रहे हो जी, फिर से समझाओ। सो बेटा प्लेयर के हाथ में वापस, मतलब एसेंट के बाद, डिसेंट करने के बाद जब पहुंचा तब निकालना है, बताइए। अरे पहले तो आप पूरा प्रॉब्लम फिर से बनाई ना, इंटरवल बदल दिया ना आपने, आप हाईएस्ट पॉइंट तक थोड़ी जा रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं। देखिए दो रास्ते हैं, एक तो सिमेट्री का रास्ता है, ये जाने का टाइम आप v = u + at से निकाल लीजिए, उसका डबल कर दीजिए, लेकिन इस पे आपको नंबर स्कूल में, क्योंकि आप सिमेट्री यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं? नहीं तो खाली ऊपर जाने का टाइम होता, अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे टाइम टू गो अप, तो इसको हम किससे निकालते? v = u + at से निकालते, तो 0 इक्वल टू हो जाता -29.4 और एक्सेलरेशन हो जाता 9.8 इनटू टी, तो आपका टाइम का वैल्यू निकल जाता, yes, sir. ठीक, और ये वैल्यू आती 3 सेकंड के आसपास, बोलिए आती कि नहीं आती? yes, आसपास नहीं, 3 सेकंड ही आता, तो टोटल टाइम कितना हो जाता बताइए? टोटल टाइम 6 सेकंड हो जाता, yes, sir. अरे ऊपर जब 3 सेकंड में गया तो नीचे गिरने में भी तो सेम लगेगा ना? यस सर। लेकिन ये करिएगा तो स्कूल में नहीं देंगे नंबर आपको, समझ गए? हाँ, जिंदगी कभी आसान नहीं करने देंगे बोलो। तो आप टोटल जर्नी के लिए जाइए, ठीक है, जहां से चले और जहां पहुंचे, यहां से चले ऊपर गए, ऊपर जाके फिर नीचे आए, ये पूरी जर्नी का आपको टाइम निकालना,
अब मैं पूरी जर्नी के लिए इक्वेशन लगा सकता हूं, क्यों लगा सकता हूं बताइए, अलग से बताता हूं, यहां बताता हूं। देखिए भव्या सुन रहे हो? यस सर सुन रहा हूं। सुनते रहो, ये मैंने दो लाइनें बना दी, ये मैंने कर्व दिखाया लेकिन एक्स से कर्व नहीं होगा, जिस लाइन से जाएगा उसी लाइन से आएगा, ठीक है, वो समझाने के लिए बना रहा हूं। और ये है बॉल, सही है, ये हाईएस्ट पॉइंट आपका ओ है जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन आप जो मोशन ले रहे हैं वो ए से लेके बी तक का ले रहे हैं, बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर, ए और बी को लीनियर है ना? हाँ, ए और बी को लीनियर है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगर आप पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए ले रहे हैं तो आप एक ही इक्वेशन लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं एक इक्वेशन, बिकॉज कहीं भी आपका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, आपका एक्सेलरेशन 9.8 ही है, आपका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही है, तो ना तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हुआ, तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, तो आपको छूट मिलती है कि आप डायरेक्ट ए से बी के बीच में इक्वेशन लगाइए। तो हम इक्वेशन किसके बीच में लगा रहे हैं? ए से बी के बीच में, समझ में आ रहा है? चलिए एक्सेलरेशन मिल गया, हम उन्हीं का साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, उन्हीं का साइन कन्वेंशन का मतलब हमने डाउनवर्ड क्या लेके चल रहे हैं, हम डाउनवर्ड पॉजिटिव, कैसा दिख रहा है जी, दिख रहा है सब? यस सर। अब अगर ऊपर से नीचे वापस आ जाएंगे तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए, ए से हम चले और वापस आ गए जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम जहां चले वहीं पहुंच गए, ठीक है, दिख रहा है? यस सर। नहीं दिख, अबे सीधा बैठ, ये क्या तरीका है, सारा एक्रोबेटिक से ही करोगे? देखो एस इक्वल टू जीरो हो गया, ओके जीरो हो गया, एक्सेलरेशन पता चल गया, निकालने कह रहा है टाइम, ठीक, यू पता है, बताइए यू कितना लिखे है, माइनस, तो अरे यू कैसे जीरो हो गया मालिक, ऊपर फेंका था तब तो गया था। यस सर। अब बताइए टाइम निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, चलिए अपना अपना कॉपी खोलिए, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन लगाइए और टोटल टाइम निकाल के बताइए, एस को जीरो डाल सकते हैं, यू को 29.4 डाल सकते हैं, टोटल टाइम को कैपिटल टी डाल सकते हैं, मुझे मत पढ़ाएं, अपना कैलकुलेशन खुद से करें, एक्सेलरेशन की जगह 9.8 डाल सकते हैं जी इंटू टी स्क्वायर, एक टी कॉमन लेके उड़ जाएगा, आ गया आंसर, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक साइड में टी आएगा, हाँ जनता को बताना पड़ेगा ना जी, नहीं बताऊं स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय, यस सर, नहीं चार्जिंग का 50 रुपए रोज के हिसाब से रोज चार्ज होगा, ठीक है, हाँ चलिए कर लिया हमने, रीड ईच एग्जाम्पल वा एंड केयरफुली आंसर वा स्टेट वा रीजन एंड एग्जाम्पल्स इफ इट इज ट्रू एंड फॉल्स, चलिए कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, पहला विथ जीरो स्पीड एट एनी इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, बताइए सत्य है क्या सत्य है कि जिसकी वेलोसिटी जीरो है उसका उस समय नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है, ट्रू, कहा एग्जाम्पल दीजिए, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ये बिल्कुल सत्य है, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ असेंट, जब आप ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है बताइए, वी जीरो हो जाता है आपका, ठीक है, लेकिन उस समय भी आपकी एक्सेलरेशन लगते रहती है, लगते रहती है, लगते रहती है, सेकेंड विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, बताइए सत्य है असत्य है, फॉल्स है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है एक स्पीड और दूसरा डायरेक्शन, अब आपने वेलोसिटी को जब शून्य कर दिया है ना, स्पीड को जीरो कर दिया तो वेलोसिटी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, सही है, वेलोसिटी इज वी मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, सही है ना, वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, हां या ना, और आपने जो स्पीड वाला पार्ट है इसी को जीरो कर दिया तो काम आपका खत्म हो गया ना जी, चलिए
विथ कॉन्स्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, बताइए ये तो संभव है ही? कॉन्स्टेंट स्पीड हो और जीरो एक्सेलरेशन हो, ज्यादातर हो सकता है ना, यूनिफॉर्म मोशन हाँ, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो बगल में मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में ही होता है, बोलने की जरूरत नहीं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सो इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, याद रखिए। इट इज ऑलवेज रेक्टिलिनियर विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड येट स्पीडिंग अप, मस्ट बी स्पीडिंग, नहीं कह रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव और स्पीड बढ़ रही ही हो, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो स्पीड घट ही नहीं सकती, इसका यह कहना है, सही है, ट्रू है। चलिए आप सब लोग बहुत बड़े वाले हैं बेवकूफ, आइए दिखाते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में ही बात कर रहे थे हम लोग, पिछले क्वेश्चन में कि हमने लिया था डाउनवर्ड को पॉजिटिव, याद है? प्रीवियस क्वेश्चन में, अरे कोई सुन रहा है मेरी बात? डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया था कि नहीं लिया था, याद है? तो हमारा जो एक्सेलरेशन था वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? पॉजिटिव था, हाँ ना? और हमारी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी? नेगेटिव थी, और ये बढ़ रही थी लगातार वेलोसिटी की घट रही थी? जीरो हो गई ना, असेंट पे घटी रही थी ना। तो ये बताइए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के बावजूद वेलोसिटी डिक्रीज किया कि नहीं किया यहाँ पे? यस सर। बेटा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना स्पीड के बढ़ने की गारंटी नहीं है, एक्सेलरेशन के वेलोसिटी का सपोर्ट करना स्पीड के बढ़ने की गारंटी है। इसी के साथ मैं आपको कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट देता हूँ, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे। आइए इधर देखिए, मैं आपके सामने चार डायग्राम बना रहा हूँ अभी, ठीक। लेकिन डायग्राम बनाने से पहले मैं इस बात की उद्घोषणा करता हूं कि मेरा ये डायरेक्शन यानी राइटवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, ठीक। अब मैं चार डायग्राम पेश करता हूं। सबसे पहला डायग्राम में एक ब्लू एरो बना हुआ है राइट साइड में, दूसरे में भी ब्लू एरो बना हुआ है राइट साइड में, तीसरे में ब्लू एरो बना हुआ है लेफ्ट साइड में, और चौथे में भी ब्लू एरो बना हुआ है लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद पहले में एक ब्लू रेड एरो बना हुआ है राइट साइड में, दूसरे में भी एक रेड एरो बना हुआ है राइट, नहीं दूसरे में राइट साइड में कैसे बना दोगे, दूसरे में बना हुआ है रेड एरो लेफ्ट साइड में, बताऊंगा आप चिंता मत करें। अरे यार कोई बात नहीं, दोबारा बना दूंगा, अब मैं आपको बताऊं कि जो ब्लू एरोज मैंने बनाए हैं ये मेरी वेलोसिटी को प्रदर्शित करते हैं, इनिशियल हो चाहे उस समय की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हो, सही है। और जो रेड वाले एरो हैं ये मेरी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। डायरेक्शन आपको पॉजिटिव का दिखा दिया मैंने, अब आप मुझे बताइए पहले केस में वेलोसिटी का चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो मैं चारों केस में वेलोसिटी का साइन आपके कथा अनुसार डालता हूं, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन की कथा कहिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बोलिए समझ में आया? बोलिए समझ में आया? बोलिए समझ में आया? अच्छा फर्स्ट केस में बताइए स्पीड बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? एक्सेलरेशन भी उधर है, वेलोसिटी भी उधर है, तो ये जो पहला केस है इसको आप स्पीडिंग अप का केस लिख सकते हैं। यस सर। स्पीडिंग अप को स्पेसिफिकली हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ, ठीक है। हालांकि एक्सेलरेशन एक जनरल सेंस में यूज किया जाता है, वेलोसिटी का चेंज होता है तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, घटे चाहे बढ़े, इसलिए मैं एक्सेलरेशन वर्ड नहीं लिख रहा हूं, बट इसको एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा बताइए, स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? अरे अभी क्या होगा, स्पीड घटेगा ना जी, जब तक ये अपोज करेगा तब तक। अरे कार का ब्रेक दबाएंगे तो क्या होगा जी, बताइए, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगी ना, मतलब इसको समझने में कितना दिक्कत है कि एक्सेलरेशन विरोध कर रहा है वेलोसिटी का, स्पीडिंग डाउन। अब डाउन मतलब नीचे मत समझ लीजिएगा, मतलब स्पीड डिक्रीज कर रहा है यार, स्पीड अंग्रेजी का भी तो हालत खराब है ना दुनिया का, हाँ भाई साहब हिंदी भी खराब है अंग्रेजी खराब, पढ़ा लो कैसे पढ़ाओगे। तीसरे में बताओ क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा? अभी भी आपका एक्सेलरेशन क्या कर रहा है बताइए, वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, समझ रहे हैं? तो वेलोसिटी को जब जब एक्सेलरेशन अपोज करेगा तब तक क्या होगा बताइए, कोई आपको पीछे की तरफ उल्टा खींच रहा है, आप जिधर जा रहे हैं उसको उल्टा खींच रहा है, एक्सेलरेशन उल्टा लग रहा है, मतलब फोर्स उल्टा लग रहा है, आप नेगेटिव में भागना चाह रहे हैं लेकिन उसको पॉजिटिव में खींच रहा है, तो आपकी स्पीड क्या होगी बताइए, डिक्रीज होगी। अब गौर से देखिए क्या इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नहीं है, उसके बावजूद स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन पैदा करेगा, ये जरूरी नहीं है, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के बावजूद यहाँ क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के बावजूद यहाँ क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। चौथे में आ जाइए, अब एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, आपके वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो बताइए आप क्या लिखेंगे, स्पीड इंक्रीज हो रही है, जबकि एक्सेलरेशन आपको कैसा दिख रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होने के बावजूद ये रिटार्डेशन नहीं है, इसमें दो केसेस रिटार्डेशन के हैं। तो याद रखिए रिटार्डिंग मोशन तब होगा जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के विरुद्ध होगा, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को क्या करेगा, अपोज करेगा, जब दोनों की डायरेक्शन उल्टी होगी,
ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव नेगेटिव तो आपके साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करेगा, वो तो हम अपनी इच्छा से लेते हैं। क्या भैया वरदराज, समझ में आया? यस सर। चलिए और डिस्कशन करते हैं। हाँ बिल्कुल, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये भी आपका चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है ना। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने में स्पीड अप हो ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखिए फिर से एक बात बोलूंगा, किसी भी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए, सारे एग्जांपल करिए, सारे एक्सरसाइज करिए, तो आपको किसी अलग से कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है? Yes. हाँ, ये एक जिसको बोलते हैं ब्रह्म लकीर या ब्रह्म वाक्य जो है वो ब्रह्म के मुंह से निकला हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि। एक बार बोल दिया, एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट में लाइन बाय लाइन पढ़िए, सारे एग्जांपल करिए, सारे एक्सरसाइज करिए, अलग से कोई कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन की जरूरत नहीं। इसको आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। ठीक? हाँ, मुझे नहीं समझ में आया क्वेश्चन। तुमको समझ में आया? फिर से बोला जाए क्वेश्चन। नहीं रुकना, उसको पूछने तो दो, क्वेश्चन तो पूछे अभी, तुम समझा ही नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन दोबारा बोलो इरशाद। एक टो ट्रक है, गाड़ी को टो कर रहा है वो। हाँ ठीक है, हाँ बोलो ना। तुम टो कौन कर रहा है, उधर वाला किधर वाला? अच्छा, तो ये गाड़ी उसके उधर कैसे चल जाएगी, जिधर टो करेगा उधर ही जाएगी ना। हाँ, तो उसके साथ वो भी जाएगा, रस्सी से बंधा हुआ। तो टो ट्रक का मतलब टो चेन लगा हुआ ना बीच में, टो चेन लगा हुआ बीच में, तो टो चेन लगा हुआ तो जिधर वो टो करेगा उधर ही लेके जाएगा उसको। तो इसका मतलब उसको टो करने की जरूरत ही नहीं, उसका इंजन चल रहा है इसका मतलब। तो इंजन चल रहा है तो भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स खींचेगा तो हाँ एक ही जगह करेंगे। जैसे आप गाड़ी टो करके ले जाना चाहते हैं लेफ्ट में, और आप जिस गाड़ी को टो कर रहे हो कह रहा है कि नहीं मैं तो इंजन स्टार्ट करके राइट में जाऊंगा, और दोनों सेम गाड़ियां हैं, दोनों का हॉर्स पावर सेम है, सब कुछ सेम है, दोनों ने इक्वल एक्सीलेटर दबाया, इक्वल फोर्स लगाया, तो वहीं खड़े रहेंगे, टायर घूमता रहेगा अपनी जगह पर। समझ गए? नेट फोर्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन तो समझ लो, तब तो आंसर दूंगा ना। हाँ, टो ट्रक का जनरली इस्तेमाल तो वही करते हैं जहां पे गाड़ी खराब हो जाए और वो चलने की स्थिति में ना। अरे A ball dropped from high 90 meter on the floor. Each collision with the ball loses 1/10 of the speed. Plot the speed time graph. The motion. बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है? 0 से 12 सेकंड तक बनाना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बिल्कुल जेई लेवल क्वेश्चन है। इसमें चार ऑप्शन आ जाएंगे, खाली बस यही रहेगा। समझ रहे हैं? स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। आइए सिखाता हूँ। 90 मीटर से गिराया गया, डेटा याद कर लीजिए सब लोग। जी को 10 लेंगे। कब बोला था 10 लेने? जब 10 के मल्टीपल 5 के मल्टीपल का क्वेश्चन है तो 10 ले लीजिए। अगर कुछ ना लिखा हुआ है तो कितना लेना है? आइए, ऊपर से नीचे गिराया है 90 मीटर, ठीक है। बताइए किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके ग्राफ बनाना चाहेंगे आप लोग? तब तक मैं एक्स वाई एक्सिस खींच लूं। डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हैं। हाँ, क्योंकि उधर ही आएगा। यस सर। लॉजिकल तो वही है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं भाई साहब। समझ रहे हैं? यस सर। और बना रहे हैं हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। समझ रहे हैं? यस सर। आइए, सबसे पहले हमने छोड़ा है बॉल को, इस बात को समझिए। अब छोड़ा है मतलब u इक्वल टू जीरो से ही छोड़ा होगा ना। अरे बोलिए। अब ये देखिए, ये है बॉल। और कुछ स्पेशल सिचुएशन दिया हो बॉल के साथ, जैसे टकराने के बाद उसकी गति में लॉस होता है? सर 1/10 स्पीड हो जाती है। चलिए पहला बार छोड़ते हैं, पहले तो देखते हैं क्या होता है। कृपया अपना ध्यान पृष्ठभूमि पे लगाएंगे। अब देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव होगा। उसको देखने दो यार, मतलब तुम तो गरीब की तरह बिहेव कर रहे हो उसके साथ। हैव एंड हैव नॉट का केस हो गया ये, मतलब वन हैज विजिबिलिटी अदर हैज नॉट। ये देखिए नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा प्लस 90 मीटर। बोलिए सही है? यस सर। यू जीरो है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? प्लस 10। सब कुछ नीचू नीचू है, सही है। आइए हम टाइम निकालते हैं पहली बार टकराव का। तो भाई कौन सा इक्वेशन लगाया टाइम निकालने के लिए? सर qt प्लस हाफ a। बिल्कुल सही बात है। तो 90 मीटर लिखते हैं डायरेक्ट और लिखते हैं हाफ a और t स्क्वायर। बताइए t का वैल्यू कितना आया? सर 45।
ये देखिए जनता का हालत क्या है, देखिए यार बस सी रूट फाइव सही है भैया, मुझे चेक कर लेते, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। रुको भाई, मैं कह रहा था ना गलत है, रुक जाओ। ये 10 जीरो कट गया, 9 दुनिया 18 का 3 12 गया, 3√2 होगा आंसर। और जिसको आप रूट 45 कह रहे हैं मालिक, वो रूट 45 थोड़ी आएगा, 180/10 आएगा, 18 आ रहा है ना, 18 आ रहा है ना जी, 180/10 करेंगे तो। आपने 450 बना दिया, इसको पता नहीं क्या किया। चलो ठीक है ठीक है, छोड़ो हटाओ ठीक है। अब इसके बाद ये 1/10 स्पीड अपनी खो देगा, जब दूसरी बार ये बाउंस करेगा तो भाई फूट जा, नहीं अभी दिख रहा उसको। अब ये दूसरी बार से बाउंस करेगा जमीन से, तो किस स्पीड से बाउंस करेगा बताइए? 1/10 स्पीड से करेगा, नहीं ध्यान दीजिएगा जरा। क्या जी हो कि चले गए वरदराज? नहीं सर, वो गलत हो गया सर। अच्छा इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूँ कनेक्टेड होना। चलो ठीक है, अब इस बार ये उठेगा तो उसके लिए आपको यहाँ स्पीड भी निकालनी होगी लोएस्ट पॉइंट पे। तो लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड निकालते हैं। स्पीड निकालने के लिए लिखेंगे v इक्वल टू u प्लस 80। बोलिए कैसा लग रहा है? यस सर। तो u का वैल्यू तो 0 था क्योंकि मैं ड्रॉप कर दिया था, और a का वैल्यू आप 10 मान के चल रहे हैं, और टाइम की वैल्यू आप मान के चल रहे हैं 3√2। सही है? एक तो डेटा ये लोग बहुत गंदा देते हैं, है ना, इस तरह का डेटा नहीं देना चाहिए जिसको सॉल्व करने में इतनी दिक्कत आए। तो 30√2 हो गया, 30√2 का मतलब 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 या 42 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जमीन को हिट करेगा। सही है? यस सर। तो जमीन को 42 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हिट करेगा, तो इसमें टकरा के कितनी स्पीड खोएगा वो बताइए? 1/10। तो 9v/10 से उठेगा इस बार। अरे v में से v/10 माइनस कर दिए भाई साहब, जनता दर्द में है, पूरा लिखा करो। कितने स्पीड से उठेगा? 9v/10 से। और 9v/10 से होके जाएगा, और उसके बाद पता है क्या होगा? ये पहले ऊपर जाएगा, हाँ है ना, और उसके बाद फिर नीचे आएगा, बीच में कहीं इसने स्पीड नहीं खोया है। तो सिमेट्री का इस्तेमाल करके बिल्कुल आप कह सकते हैं कि भैया अगर ऊपर गया है इस स्पीड से, तो नीचे जब ये टकराएगा तो भी इसको 9v/10 ही स्पीड मिलेगी। ठीक है, बस पहले इतना ही ग्राफ बनाते हैं, बाकी बाद में है ना हम लोग इससे सीखने की कोशिश करेंगे। इतना नजर आ रहा है सबको? यस सर। सो इट विल हिट द ग्राउंड, just before hitting the ground the speed will be again 9v/10. let's plot this into the graph. apne downward positive liya, zero velocity se chal ke v velocity tak aaya tha wo, theek hai? yes sir. to main pehla aapko graph bana ke dikha raha hu, ye dekhiye maine janbujh ke lamba banaya kyunki abhi hum log ko isko lagatar chhota karna padega. ye v speed isne gain kiya, aur jitne time mein isne v speed gain kiya, acha bataiye is vt graph ka jo slope hai wo kisko represent karega? एंड उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? और हो क्या, किसके बराबर होगा, वैल्यू क्या होगा सर? v/0.2। अरे भाई मेरे, क्या बोल रहे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होगा ना। इस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होगा? इस ग्राफ का जो स्लोप होगा क्या वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर नहीं होगा? यस सर। इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो dv/dt को दिखलाएगा ना जी। yes, sir. और dv/dt यानी कि एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे बोलिए। yes, yes, तो जब तक ये बाउंसिंग चलता रहेगा तब तक तो स्लोप सेम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? yes, अब देखिए इमीडिएटली टकराएगा, ये देखिए इमीडिएटली टकराएगा, और टकराने के साथ ही ये रिवर्स करेगा। और आपने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया था ना? yes, sir. तो अब क्या होगा बताइए? इसका v इमीडिएटली नेगेटिव हो जाएगा, 9v/10 से चलेगा। तो हमने ग्राफ की प्लॉटिंग थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, हमें x एक्सिस यहाँ ऊपर दिखाना चाहिए था, अब मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करूंगा शिफ्ट। थोड़ा समय दें। एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। वापस बात करेंगे इस दिन। अरे वो मिल गए थे रोड पे, आ रहे थे दुकान से, मैं क्यों बात करूंगा भाई अपने आप। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ का मतलब होगा dv/dt, का मतलब होगा एक्सेलरेशन, का मतलब होगा जी ग्रेविटी।
बोली ठीक है, बोले ठीक है, यस सर। टकराने के बाद इसकी इमीडिएटली स्पीड कितनी हो जाएगी और किधर हो जाएगी? ऊपर होगी तो नेगेटिव हो गई, yes, sir. और 9 वी बाई 10 हो गई। तो यहां पे इससे छोटा थोड़ा वैल्यू लेके चलेंगे। रिकॉर्डिंग चल रही है, 9 वी बाई 10 होगी, ठीक है? yes, sir. अब एक बार फिर से आप 9 वी बाई 10 से ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। अच्छा ये बताइए, टकराने के बाद क्या इसका वीटी ग्राफ का स्लोप चेंज होने वाला है किसी हालत में? नहीं नहीं, नहीं होने वाला है ना। क्यों नहीं होने वाला है बताइए? क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप तो जी है और जी तो चेंज हो नहीं सकता। तो स्लोप सेम रखिए, स्लोप सेम रखते हुए मैं सेम लाइन कॉपी कर रहा हूं। इसीलिए देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अर्णव जी आप क्यों वहां चले गए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और इसको खींचते जाइए खींचते जाइए, ये तब तक ये ग्राफ चलेगा जब तक आपका स्पीड, देखिए ये कौन सा पॉइंट है, देखिए आप 9 बाई 10 की अपवर्ड वेलोसिटी से चले और यहाँ के आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। ये हाईएस्ट पॉइंट है आपका। उसके बाद फिर आपका नीचे की तरफ स्पीड बढ़ना शुरू हुआ, तो इसलिए आपकी स्पीड पॉजिटिव होती जा रही है। लेकिन नीचे की तरफ आप स्पीड कितना गेन करेंगे इस बात को समझिए। आप 9 वी बाई 10 से चले थे तो आप 9 वी बाई 10 ही गेन करेंगे ना वापस, उससे ज्यादा थोड़ी गेन कर पाएंगे। अरे बोलिए, तो आपका अगला पड़ाव जो वेलोसिटी का होगा वो कितना होगा बताइए? 9 वी बाई 10। इस बार पॉजिटिव, फिर टकराया, अब नहीं 8 वी बाई 10, क्या बात कर रहे हैं? 9 बाई 10 का 1/10 निकालो कितना होगा? 9 बाई 100। अब माइनस करके निकालो कितना होगा? 9 वी बाई 10 में से उसका 1/10 फिर माइनस करो। अरे बार बार इसको 10% से मल्टीप्लाई करो ना, 90% से। यस सर। अरे 10% कम हो गया ना, यही कह रहे हैं ना जी, 1/10। यस सर। हैं तो 1/10 कम हो गया तो बार बार क्या करेंगे बताइए? 9 बाई 10 बचेगा ना, 9 बाई 10 मल्टीप्लाई कर 81 बाई 100 आएगा। समझ गए बात को? अब देखिए अब की बार ये किस वेलोसिटी से उठेगा? 81 बिल्कुल सही बात है, 81 बाई 100 से उठेगा। ग्राफ सेम बनेगा ऐसे ही, बस ये ग्राफ इस बार यहां शुरू होगा। समझ रहे हैं बात को? नॉन कंटीन्यूअस ग्राफ, बिल्कुल नॉन कंटीन्यूअस ग्राफ है। बीच में आपके जमीन के साथ कोलिजन भी तो हो रहा है ना, और वो नेग्लिजिबल टाइम है। आप उसको सेम इंस्टेंट मान के चलते, अगर उस इंस्टेंट को आप सेपरेट करके चलते तो ये ग्राफ ऐसे बनता, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान जब तक वो जमीन के संपर्क में था उसको एक्सेलरेशन ऊपर मिल रहा होगा, फोर्स ऊपर मिला तभी तो उसका ऊपर वेलोसिटी आया ना। जमीन ने फोर्स दिया उसको, मतलब वो टाइम हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने डॉटेड लाइन को सेम पॉइंट से मिला दिया। अगर हम सेम पॉइंट से नहीं मिलाते तो ये ग्राफ ऐसे शुरू होता, मैं दिखा रहा हूं आपको, ऐसे आके और फिर यहां से ऐसे शुरू होता, ठीक है? बट ये इतना कम टाइम है कि उस टाइम को नेग्लेक्ट करते, और अगर आपने उस टाइम को नेगलेक्ट कर दिया तो उस दौरान जमीन से जो एक्सेलरेशन आपको मिल रही पॉजिटिव उसको भी आपने नेगलेक्ट कर दिया, तो उसके अलावा बारिंग दैट पीरियड ऑल द एक्सेलरेशन इज जी, सो मेंटेनिंग द स्लोप एवरी टाइम से। बोलिए समझ में आ रहा है? yes, अब इस बार ये जो ग्राफ शुरू हुआ है ये शुरू हो रहा है 81 बाई 100 वी से। अब मैं ज्यादा इसको चिंगम की तरह खींचने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि ग्राफ का वैल्यू आपको पता चल गया। yes, और हर बार 9 बाई 10 से मल्टीप्लाई कर देना। आप 9 बाई 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर देना है? क्योंकि 10% होता है 1 बाई 10। अबे नलायक को बोलो, 10% कितना होता है? 1 बाई 10। समझ रहे हो? तो 1 बाई 10 अगर माइनस कर दोगे किसी चीज की वैल्यू में से तो उसका 9/10 बचेगा ना। अरे अरे गधों, v में से अगर v का 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 9 बाई 10 v बचेगा। यानी हर बार पिछली वेलोसिटी में 9 बाई 10 मल्टीप्लाई होता जाएगा। बोलो जी समझ में आ रहा है? ठीक है, अगले बार जो आपका ग्राफ शुरू होगा वो कहां शुरू होगा बताइए? 81 into 9 करिए कितना आया? 729 by 1000 और 9 by 10 देख लीजिए। तो ये ग्राफ यहां से शुरू होगा। अब ये वैल्यू बहुत गंदा होता जा रहा है। यस सर। ठीक है, तो हमको ग्राफ समझना था। ऐसा थोड़ी कि हम इनफिनिटी तक ग्राफ बनाते रहेंगे। अरे दो चार साइकिल बना दिया है तो बनेगा इनफिनिटी तक ना। हां क्यों पैरेलल आएंगी बताओ? लाइंस पैरेलल आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अरे सभी लाइन का स्लोप जी है ना जी, पैरेलल तो आना ही चाहिए। यस सर। हां इन सबका स्लोप सेम होगा, इसका सबका स्लोप जी होगा। एक समय पे आके जीरो होना चाहिए। क्या जीरो होना चाहिए? हाँ लेकिन वो उसके लिए इनफाइनाइट कोलिजंस होगा। समझ रहे हैं बात? ट्वेल्व सेकंड हम कब का क्रॉस कर चुके हैं, उसके लिए चिंता मत कीजिए। ठीक है, ये ऐसा बनता जाएगा। देखिए पहला बार में 3/√2 टाइम आएगा, उसके बाद आपका हाइट भी तो कम होगा ना। यस सर। अरे होगा कि नहीं होगा? अब जो नया हाइट होगा वो हाइट निकालेंगे आप, या उससे भी बढ़िया तरीका बता देता हूँ। हर बार का टाइम आपको मिल जाएगा हर साइकिल का। आइए इधर देखिए, दो मिनट मेरी बात ध्यान सुनिए, कुछ एडिशनल चीजें सीख जाएंगे। मान लीजिए आपने किसी बॉल को, सब लोग देख रहे हैं? Yes, sir. यू वेलोसिटी से फेंका है आपने,
किस वेलोसिटी पे का है? U, U velocity. आप लोगों ने मोशन अंडर ये सिमेट्री का प्रॉब्लम वो देखा क्लिप? नहीं मिल पाया, दो क्लिप भेजे थे जिसमें एक जगलस प्रॉब्लम और एक विटीग्राफ वाला ही भेजा था शायद मैंने सिमेट्री का. वो सारी कॉम्पिटिटिव क्लिप्स हैं जो चैप्टर आप कर चुके हैं उसकी कॉम्पिटिटिव क्लिप्स में भेज रहा हूँ, ठीक है? उसको देखिए, है ना, इट इज वेरी रिसर्च काइंड ऑफ थिंग, उसको जरूर देखिए क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूँ ये लाइंस को मैं अलग बनाता हूँ, लाइंस अलग नहीं है, लेकिन ये जिस लाइन पे जाएगा उसी लाइन पे वापस आएगा, ठीक है? अब देखिए मेरे को यहाँ इसके वापस आने का समय निकालना है टोटल, समझ रहे हैं? yes, मैं क्यों कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा. तो मैंने t इक्वल टू जीरो से इसको फेंका है, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है बताइए? जीरो. तो अगर जीरो वेलोसिटी हम लगा दें और वहां का हम टाइम निकाले तो हम लिख सकते हैं जीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक? yes, मैंने अपवर्ड पॉजिटिव लेके इक्वेशन लिखा है क्योंकि मैं इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलता हूँ. तो यहाँ से मेरा टी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का कितना आ जाएगा बताइए? यू बाई जी आ जाएगा. तो इस पॉइंट पे टाइम हो रहा होगा यू बाई जी. याद रखिए, कान में बात डाल लीजिए अच्छे से, कि आपका जो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने का टाइम होता है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, वो यू बाई जी होता है. इतना ही टाइम आप वापस आने में लगे. तो यहाँ पे आपका टाइम कितना हो जाएगा बताइए? टू यू बाई जी होगा. ये टी इक्वल टू जब हम लिखते हैं मतलब हम शुरू से टाइम नाप रहे हैं. तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हुआ? यू बाई जी. यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हुआ? टू यू बाई जी. आप समझ रहे हैं? टी इक्वल टू मतलब घड़ी चल रही है, घड़ी में आप टाइम देख रहे हैं, समझ रहे हैं? जाने का यू बाई जी, आने का यू बाई जी. टोटल टाइम कितना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हर बार आपको वेलोसिटी तो पता है ना, हर बार आपकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? वन टेंथ. हर बार वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? वन टेंथ. सेम कन्वेंशन में बना रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? इसी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ. एवरी टाइम या एवरी कोलिजन, टाइम मत बोलो, एवरी कोलिजन वेलोसिटी बिकम्स वन टेंथ. बोलिए हाँ या ना? यस सर. यानी जिस स्पीड से वो जमीन से चल रहा है वो वन टेंथ हो रहा है और उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका टाइम ऊपर जाने का, या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यू के प्रोपोर्शनल है ना. तो अगर यू वन टेंथ हो रहा है तो ऊपर जाने के नीचे आने का टाइम भी क्या हो जाएगा? वन टेंथ हो जाएगा. समझ रहे हैं बात को? हटाओ इसको. ये देखो, ये पहला टाइम तुम्हारा आया था थ्री बाई रूट टू. थ्री बाई रूट टू का मतलब, थ्री इंटू रूट टू का मतलब हुआ ये है लगभग 4.2 सेकंड. लेकिन ये केवल वन डायरेक्शन था, नीचे से नहीं चला था, ये ऊपर से चला था. तो आपने यू बाई जी निकाला, एक तरह यू बाई जी निकाला है ना. इसका डबल वैल्यू कितना होगा? 8.4. अगर पूरा साइकिल होता तो उसकी वैल्यू. सेकंड टाइम में टाइम पीरियड कितना होगा? 8.4 का वन टेंथ माइनस कर दीजिए, है ना? क्योंकि एवरी कोलिजन में आपका जो यू है जमीन से उठने का वो 9/10 हो जा रहा है. तो आपका जो यू बाई जी है वो भी तो 9/10 हो जाएगा ना. एक 2u / g है वो भी तो 9/10 हो जाएगा ना. yes, बोलिए होगा कि नहीं होगा? yes, आपका 2u / g जो होगा दैट बिकम्स 9/10 ऑफ प्रीवियस वैल्यू, हाँ या ना? yes, अभी प्रीवियस वैल्यू पूरे साइकिल का आपका कितना था? 8.4 था, 4.2 मत लीजिएगा. क्यों नहीं ले रहे हैं 4.2? क्योंकि आना जाना दोनों नहीं है, खाली डिसेंट का है. टोटल लेते तो 8.4 होता, उसका 9/10 निकालिए लगभग बताइए. 8.4 का 9/10 कितना होगा? 7.56 होगा. और पहले से 4.2 यहां पे है ना. 8.4 का 9/10 हमने निकाला तो 7.56 आया, और पहले से ऑलरेडी 4.2 इसमें जोड़ दीजिए. टोटल टाइम इस साइकिल के खत्म होते होते कितनी हो जाएगी बताइए? टोटल टाइम जो खत्म होगी, बिल्कुल 11.76. 12 सेकंड का तो कब खत्म हो गया आपका? अब अगले साइकिल में बताइए, अभी कितना आया था? 7.56 आया था ना. 7.56 का 0.9 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको. 6.8 सेकंड और जोड़िए इसमें अगले साइकिल में. 6.8 सेकंड जोड़िए कितने में? 11.76 में. 17.84 नहीं, 18.56. यस सर. और इसमें कितना जोड़ना है हमें? 11.76 जोड़। कितना आया हमारा? 18.56. तो आ रहा है भाई साहब, 11.56 आ रहा है. आ रहा है ना? यस सर. 18.56 आ रहा है. 18.56 सही है.
अब समझ में आ रहा है, ये पूरे साइकिल में जो टाइम लगेगा वो भी 9/10 होता जाएगा। तो 12 सेकंड का ग्राफ तो कब तक बन चुका है आपका? क्लियर है? यस सर। उससे आगे का ही ग्राफ बना दिया आपने। तो ये जो है ये वन ऑफ द मुश्किल क्वेश्चन है। अब यही कॉम्पिटिशन में आएगा तो ऐसे ऐसे चार ग्राफ आपको दिए रहेंगे। इसमें क्या ऑप्शन रहेगा बता दूं मैं आपको? आपको साइड में मैं ऑप्शन ड्रॉ करके बताता हूं। रुकिए, एक ऑप्शन तो आपको दिख रहा है सही वाला। अब जब कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसका ऑप्शन क्या रहेगा देखिए बता रहा हूं। तीन ऑप्शन आपको फॉल्स ऑप्शन दे रहा हूं मैं। किसका ग्राफ है भाई? ग्राफ है वीटी का। किसका ग्राफ है? वीटी। वीटी का किसका ग्राफ है? वीटी का। अब देखिए एक मैं गलत ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ये थोड़ा सा नीचे से जाएगा ऐसे, फिर ये थोड़ा सा नीचे से जाएगा ऐसे। अब देखिए ये गलत है ऑप्शन, लेकिन ये गलत क्यों है बताइए? क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से नहीं लिया। यस सर। आप समझ रहे हैं? आपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से नहीं लिया। तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव बढ़ रही है, लेकिन वहां पे आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव सेंस में बढ़नी चाहिए क्योंकि आपने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया। ठीक है, दूसरा क्या करेगा? दूसरा ये इस तरह से बनाएगा जैसे, और देखिए मैं जो बहुत क्लोज ऑप्शन है वो बना के दे रहा हूं आपको। इसमें साइन कन्वेंशन भी गलत है और इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी गलत है। इनिशियल वेलोसिटी आपने नॉन जीरो बनाई है। कह तो रहा हूं जो बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शन है मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, इस ग्राफ में क्या गड़बड़ है बताइए? कन्वेंशन तो सही है लेकिन आपका जो नहीं, आपका इनिशियल वेलोसिटी आपने मार्क कर दिया है। आपने यू नेगेटिव मार्क किया जबकि यू का वैल्यू एक्चुअली क्या है बताइए? यू जीरो है। आपने यू को यहां नेगेटिव मार्क किया हुआ है ना, इसमें आपने यू को पॉजिटिव मार्क किया हुआ है लेकिन यू की वैल्यू क्या है बताइए? जीरो है। इसमें कन्वेंशन भी रॉन्ग है आपका, साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपने गलती करी है। इसमें क्या गलती है बताइए? कन्वेंशन जो है वो आपका गलती है, कन्वेंशन जो है दैट इज रॉन्ग। अभी समझ में आ रहा है? तो जो रॉन्ग ऑप्शन होते हैं कैसे बनाए जाते हैं? ये रॉन्ग ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उसमें आपको सेलेक्ट ऑप्शन करना। तो ये क्वेश्चन एक तरह से आसान हो जाएगा, थोड़ा सा भी ध्यान दें खाली कन्वेंशन वाइज, तो आपका प्रॉब्लम आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव जल्दी बन जाता है, नहीं तो अगर कैलकुलेट करके ग्राफ बनाने दे दिया जाए सबसे मुश्किल होगा सब्जेक्टिव बनाना, क्योंकि सब्जेक्टिव में कोई सारी इन्फॉर्मेशन आप खुद बना के देते हैं वहां पे। क्लियर है? यस सर। चलिए कहां तक पहुंचे हम लोग? ये हो गया हमारा 3.12। अब हमारा टेस्ट का टाइम हो रहा है ना, तो डेढ़ घंटे टेस्ट भी चलेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक कर पाएंगे, इतना मदद मैं आपको कर पा रहा हूं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जरा देख लीजिए, इसमें बताइए कौन सा रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है और क्यों। हाँ, ये नहीं है क्योंकि टाइम कांट रिवर्स। यस सर। टाइम रिवर्स नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। टाइम नेगेटिव हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। फिर आपको रेफरेंस पीछे मानना पड़ेगा, क्या भूतकाल में रेफरेंस मान लीजिए तब। टाइम कांट रिवर्स, ठीक है? यस सर। अब बताइए इसमें नेगेटिव टाइम, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेगेटिव टाइम है तो पीछे टाइम एक्सिस पे, ठीक तो बोल रही है। ये सही है, तो इट इज करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे देखो ना, टाइम एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे पीछे की तरफ जा रहे हो ना। हम ऐसे जा रहे हैं तो नहीं, नहीं आप ऐसे ही जा रहे हैं, लेकिन ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? नेगेटिव टाइम को दिखा रहा है ना ये। ठीक है, यस सर। अच्छा ये बताइए, ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, ये दिख रहा है सबको? यस सर। एक्स टी ग्राफ है ये। यस सर। तो कहता है, इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर टाइम लेस देन 0 एंड देन इट मूव्स अलोंग अ पैराबोलिक पाथ? नहीं, अगर मान लीजिए हो गया, आप पहले में आपने घड़ी को सेट किया, अभी 0 मान लेंगे, तो पिछला जो 5 बजे से आप आए हैं अभी, उसको आप नेगेटिव टाइम बोल सकते हैं, तो रेफरेंस बताने पे हो जाता है। तो क्या ये ग्राफ ये कह रहा है क्या? क्या ये ग्राफ ये कह रहा है कि टी इक्वल टू 0 से पहले आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे और बाद में आप पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहे हैं? इज द ग्राफ सेइंग दिस? क्या ये पाथ है कि ये आपको रास्ता बता रहा है? ये ग्राफ है कि पाथ है, इतना बताइए मुझे। आपको ये पिछली क्लास मैंने बताया है पाथ क्या होता है, किसके किसके बीच का प्लॉटिंग होती है पाथ, एक्स और वाई का होता है। यहाँ प्लॉट किसके बीच में है, तो ये तो आपको वैल्यू देगा ना, ये कोई आपका रास्ता थोड़ी बताएगा। ठीक है, द पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ये सब कुछ नहीं बता रहा है। ये तो आप पाथ की चर्चा करने लगे ना, कि पार्टिकल किस तरह के रास्ते पे चल रहा है। हाउ कैन ग्राफ सजेस्ट यू द पाथ? इट इज एनालिटिकल, ये तो टाइम के साथ दिया हुआ। So no, not at all.
अब क्या हो रहा है ये बता रहे हैं, इन्होंने सही बोला कि टाइम के साथ यहाँ ओरिजिन मेंटेन थे। तो ये जो सेक्शन है ये आपको बता रहा है कि पार्टिकल कहाँ है, बताइए रेस्ट, और ये बता रहा है कि इस पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है। पहले तो बात आ गई कि मोशन होगा, अब सवाल है किस तरह का मोशन हो रहा है, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म रहता तो ग्राफ कैसा होता, स्ट्रेट लाइन होता, इंक्लाइन। तो ये कौन तरह का मोशन हो गया बताइए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। बोलिए हाँ या ना। एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है? एक्सेलरेटेड। क्यों भला? क्योंकि अगर हम इसका स्लोप देखें, आइए बड़ा करते हैं, ये देखिए स्लोप वेलोसिटी दिखाता है और ये स्लोप आप देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। यस सर। बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा है? यस सर बढ़ रहा है। ये देखिए यहां इसका स्लोप कम था तो वेलोसिटी लेस, क्यों लेस? क्योंकि स्लोप इज लेस। क्यों लेस? क्योंकि स्लोप जो होता है वो क्या होता है बताइए, वेलोसिटी दिखाता है। बिल्कुल, स्लोप डीएक्स बाई डीटी दिखाएगा जो वेलोसिटी होगी। यहां पे आपका स्लोप मोर है, स्लोप मोर का मतलब क्या हो गया बताइए, वी इंक्रीज कर रहा है। यस सर। हाँ है ना, तो एक्सेलरेटेड मोशन का केस हुआ। बोलिए सही है। yes, अब क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं है? sir, ये आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको ग्राफ का पूरा आईडिया नहीं दिया। अगर ये पैराबोला है, ठीक, अगर ये पैराबोला है, इफ इट इज अ पैराबोला देन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल डेंटी, ये बताया था पिछली बार आपको, पैराबोला में ही होता है। सो एक्स विल डिपेंड ऑन टाइम लाइक ए टी प्लस बी टी स्क्वायर टाइप्स, तब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन पैराबोला होना चाहिए उसके लिए। सो इफ एक्स टी इज पैराबोला, अगर एक्स टी पैराबोला है, मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन ऐसे ही आता है यू टी प्लस हाफ ए टी। देखिए ना इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन मारिए, वेलोसिटी मिलेगी? yes. कितनी वेलोसिटी मिलेगी जी एक बार डिफरेंशिएशन मारेंगे तो? ए कांस्टेंट है, ए प्लस टू बी टी, बोलो हाँ। yes, sir. फिर एक बार डिफरेंशिएशन मारो इसको, डी वी बाई डी टी करो, क्या मिलेगा? yes, खाली टू बी। yes, ए का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा ना। यस सर। इज इट कांस्टेंट? टू बी कांस्टेंट होगा ना। yes. अरे भैया ए और बी कांस्टेंट्स है ना। वेरिएबल कौन है इसमें बताइए? टी वेरिएबल है ना, ए और बी दोनों क्या है बताइए? कांस्टेंट्स। अगर पैराबोला ग्राफ है तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि तब इसका इक्वेशन x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर के फॉर्म का होगा। यस सर। इससे ज्यादा ज्ञान देना संभव नहीं है। पैराबोलिक ग्राफ कैसे होता है सर? ये लाइन नहीं है। नहीं, ये लाइन नहीं, इस सेक्शन की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेक्शन ग्रेटर देन t इक्वल टू 0, नॉट बिफोर दैट। दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। नो, यू हैव टू स्टॉप इट बिकॉज यू हैव टू डू द टेस्ट। 1D में मैं जितना हेल्प कर सकता था, जितना ड्राइव कर सकता था कर लिया। आप बाकी क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, इनके प्रैक्टिकल सिचुएशन मांग रहा है। ये सिचुएशन अभी हमने किया है। यस सर। बॉल बाउंसिंग ऑन अ फ्लोर, बॉल बाउंसिंग ऑन अ फ्लोर इन इलास्टिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन इलास्टिकली? मींस एवरी टाइम इट इज लूजिंग सम वेलोसिटी। इलास्टिकली होता देन नो लॉस इन वेलोसिटी। 10 से टकरा है, 10 से रिबाउंड, 10 से टकरा है, 10 से रिबाउंड, कभी रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। ऐसे आइडियल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। yes. लेकिन अगर मान ले कि इलास्टिक है तो कभी नहीं रुकेगा, हर बार उतना ही हाइट तक जाएगा फिर आएगा। तो ये इनइलास्टिक है, एक्चुअल में नहीं होती, एग्जांपल में तो कुछ भी हो सकता है। ये क्या हुआ बताइए यहाँ पे? एक्सेलरेशन, अचानक से एक्सेलरेशन में बम्प आया फिर जीरो आ गया। किसी हैमर को नेल से मारिए, बॉल हिट विथ अ बैट। अरे बोलो। yes, sir. अगर बॉल को बैट से हिट करेंगे तो मोमेंटली थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेशन आएगा। yes, तेजी से उसके फिर एक्सेलरेशन खत्म, क्योंकि कॉन्टेक्ट खत्म है ना। तो ये इस तरह के फोर्सेस को हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, हैमरिंग अ नेल, जो इंपल्स जनरेट करके छोड़ देता है, आपकी वेलोसिटी बढ़ा देगा और फिर चला जाएगा फोर्स। थप्पड़ मार देना, घूंसा मार देना, ये सब इंपल्सिव फोर्स का एग्जांपल। ए वाले का क्या हुआ? ए वाले का मतलब ए पार्ट। अब बताइए कार का मोशन, कार का कैसे? ये देखिए पहले रेस्ट था, अरे सुनो ना, पहले एनालाइज तो करो। रेस्ट था, उसके बाद ये आपका पॉजिटिव वेलोसिटी है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, फिर आपका नेगेटिव वेलोसिटी है, और उसके बाद फिर आपका रेस्ट। तो आप जो है, सुन लीजिए, आप जो है पहले रेस्ट में थे, उसके बाद आपने पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी याद करिएगा, स्लोप कांस्टेंट है ना इसका। yes, अरे स्लोप कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट भाई। yes, स्लोप पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव भाई। तो आप चले और पॉजिटिव वेलोसिटी जा रहे हैं, मान लीजिए आप राइट की तरफ जा रहे हैं, अचानक आपने किसी चीज के टकराने की वजह से खुद ही अपना मोशन को रिवर्स कर लिया, फिर आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, और लेफ्ट साइड में पहले से ज्यादा दूर तक निकलने के बाद जहां से आप चले थे, ठीक, आप फिर रेस्ट में आ गए। रेस्ट में आ गए तो आपका ग्राफ ऐसा हो गया। तो इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसे दिखा सकते हैं कि आप ओरिजिन से चले, भाई मेरे ध्यान से सुन ले जरा बात, आप यहां तक गए, आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, उसके बाद आप यहां से यहां तक आए, वापस तुरंत रिवर्स करके अपनी वेलोसिटी को, और यहां आके आके आप फिर से रेस्ट में विराजमान हो गए। अब ऐसा कोई प्रैक्टिकल मोशन हो सकता है तो देख लीजिए।
वो तो टाइम नेगेटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि आपने रेफरेंस पहले का लिया, ठीक है। रियलिस्टिक सिचुएशन में जब आप रेफरेंस अभी से लेते हैं, राइट, हाँ, तब आप उसको t इक्वल टू जीरो बोलते हैं, तब नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है। अगर आपने रेफरेंस अभी से पहले लिया, भूतकाल में लिया है, तो टाइम नेगेटिव वहां पे उसी को प्लॉटिंग ये दिखा रहा है। दो डाउट्स हैं। हाँ बोल दो। एक वो है चेन रूल एक्सटेंशन। चेन रूल डायरेक्ट किया करो बिना मतलब फॉर्मल मेथड के, डायरेक्ट किया करो, चेन रूल हो जाएगा। अच्छा समझा देता हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। अब देखिए इसमें कुछ सिचुएशंस आप आराम से बना सकते हैं, 3.22 तक तब कम से कम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो डाउट्स नहीं होंगे, गलतियां नहीं होंगी, और गलतियां नहीं होंगी तो दुनिया में कोई सीख नहीं सकता। जब तक गलत नहीं बनाएंगे तब तक सही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो गलत तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही सही बन पाएगा, ठीक। ज्यादा टाइम हो रहा है, जल्दी से पूछ लो, कोई भी एक फंक्शन दो, मैं डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ। साइन इसी पे करते ना, भव्या भी देख लेगा। यस सर, कोई भी फंक्शन बोलो ना, बोलो जल्दी, बोलो एक फंक्शन या चेन रूल सिखाना। जैसे y इक्वल टू मान लीजिए log ऑफ sin x बोला गया, सही है। yes, तो बाहर से चलिए, पहले देखिए आप फंक्शन का वैल्यू निकालिए, पहले x का वैल्यू डालिएगा, उसका साइन लीजिएगा, फिर उसका लॉग लीजिएगा, अंतिम ऑपरेशन लॉग का हो रहा है, तो लॉग डिफरेंशिएशन में पहले शुरू होगा। लॉग जितना 1/2 उतना, तो लॉग कितना है भाई, लॉग कितना है, लॉग साइन एक्स है ना, लॉग एक्स होता तो 1/x होता, लॉग साइन एक्स का 1/sin x होगा। आगे बढ़िए, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, उत्तर क्या हो गया बताइए, टैन एक्स हो गया, हो गया। और एक प्रॉब्लम बोलिए, देखिए y इक्वल टू रूट है, रूट ई एक्स स्क्वायर, रूट ई एक्स स्क्वायर, सही है, लास्ट रूट हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन जब शुरू होगा तो रूट से होगा, रूट जितना होता है उसका 1/2 रूट उतना होता है डिफरेंशिएशन, तो जितना लिखा है सब लिख दीजिए। उसके बाद आगे चलिए, ई एक्स स्क्वायर का क्या होगा बताइए, ई एक्स स्क्वायर ही होगा। फिर आगे चलिए, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बताइए, 2x होगा। सबको मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक। और कोई डाउट, और बोलो, तुम बोले दो डाउट था सर, वो एक डिराइव करना था, क्या तीन इक्वेशन का मोशन का कैलकुलस से डिराइव करना, तो कराया है कैलकुलस से डेरिवेशन, अब अभी तुम बता रहे हो यार, नहीं बॉस, दिस इज नॉट करेक्ट, इसके लिए पहले आना चाहिए, नो दिस इज नॉट ग्रांटेड। भव्या 5 minutes I will be sending the test, okay? Okay sir. Disconnect now. Thank you sir.